जो आदि धर्म है, जो यहां के लोगों की आस्था का प्रतीक है सरना धर्म, उसको मान्यता देने के लिए प्रस्ताव पारित करना, लोगों की पहचान उसका खतियान को मान्यता देना, चिरलंबित जो मांग थी ओबीसी समुदाय का जिसपे प्रहार किया था बाबूलाल जी ने, 27% से घटाकर 14% किया था, उसको पुनः 27% तक ले जाना, धोती साड़ी लुंगी 10 रुपए में देना, पहली बार किसी राज्य ने मारंग गोम के पारदेशी शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की और इसके लिए बर्तानिया सरकार से मेमोरेंडम भी किया गया। बच्चों के पढ़ाई के स्कॉलरशिप दुगने से लेकर चौगुने तक किए गए। आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिया गया। पारा टीचर्स को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया। नर्सों की भर्ती हुई, 251 दिन में जेपीएससी का रिजल्ट हुआ और उसकी नियुक्ति पत्र सौंपी गई। जेएससी के लिए नियमावली बने, जेपीएससी के लिए नियमावली बने। अपदार्थ रघुवर सरकार के 5 साल में एक जेपीएससी नहीं हो पाया था। उन्होंने इस राज्य को बांटने के लिए 13-11 का फॉर्मूला लाया था। आज ये सारी उपलब्धियां सूचीबद्ध कर आप लोगों को हम दे रहे हैं। झूठ की भी एक सीमा होती है। जब 32 का पहचान हो गया छत्तीसगढ़ से आया हुआ आदमी हमको अपना पहचान बताने लगा। बताइए उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या एक भी सर्वदलीय बैठक किया किसी भी मुद्दे पर? हम मुख्य विपक्षी पार्टी थे, क्या हमसे कभी सलाह ली गई? दांत चिंघाड़ के झूठ बोलते हैं, राजनीतिक लज्जा समाप्त हो चुकी है। जेवीएम विधायकों को खरीद कर 5 साल सरकार चलाने वाले इस सरकार को बोलते हैं अस्थिर है। मैं तो कह रहा हूं कि 1000 दिन तो अभी झांकी है, 1,00,000 दिन आना बाकी है। 1,000 दिन झांकी है, 1,00,000 आने वाले दिन बाकी। क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं। झारखंड के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते और झारखंड के लोगों के पहचान, अधिकार और सम्मान की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर। आज जब बच्चे
जो खेलने वाले बच्चे हैं उनको सीधी नियुक्ति मिलती है, जो निजी क्षेत्र है उसमें 75% स्थानीय को रोजगार की गारंटी मिलती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।